के चरणों में कांग्रेस में गठबंधन जो है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है और सरकारें गिरने वाली है, ऐसी अफवाह है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो जो उम्मीद लगा के जो बैठे हुए हैं कि सरकार गिर जाएगी और वैकल्पिक सरकार बनाएंगे, वो गलतफहमी में एकदम ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जन और ऐसा जो कोई प्रयास करेगा जनता माफ नहीं करेगी। अविनाश पांडे जी से आप लोग खफा हैं, नाराज हैं? खबरें आई नहीं कर सकते हैं कौन ऐसा खबर डाल रहा है, हमको तो नहीं है कोई प्रॉब्लम। देखिए हमारा जहाँ तक है, हम काम करने खुद काम करते हैं और काम करने वाले और कराने वाले को हम पसंद करते हैं। यानी ये पूरा 5 साल लगा के ही सरकार टिके रहेगी, मतलब हमारे किसी भी पार्टी की लाचारी होती है कि 5 साल में चुनी गई है, जनता ने चुना है तो 5 साल सरकार चलावे, नहीं चलाएगी 5 साल बढ़िया नहीं चलाएगी तो जाएगी अगले बार। ये हमको खतरा है, सीधे सीधे बोलते हैं 5 साल नहीं चलाएंगे तो किस मुंह से 2.5 साल 3 साल के बाद जाएंगे वोट मांगने के लिए? बोले आप कि रामेश्वर राव जी आपको तो 5 साल क्यों चुने थे हम, आप अभी 3 साल के बाद क्यों आ गए वोट मांगने के लिए? तो एक बात क्या जवाब देंगे? समय से ऊपर ये सब अफवाह कौन उड़ाता है फिर? क्या आपको आपके हिसाब से क्या लगता है ये सब पॉलिटिकल दावेश है? पॉलिटिकल गप ही है, लगे रहते हैं। देखिए आप देश की राजनीति को समझिए, वर्तमान हालात कैसे चल रहे हैं, यह स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार जो है भाजपा की सरकार और वो गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने में लगे रहते हैं। जेन केन प्रकार सरकार गिरा के सरकार बनाना चाहती है, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में कोशिश हुई फेल कर गए, है ना, झारखंड में भी एक साल पहले कोशिश हुई थी तो हल्ला किया मैंने, हल्ला बोल बोला जब अध्यक्ष हुआ करता था तो शांत हो गए, फिर शुरू कर रहे हैं लोग, है ना, चर्चा थी कि बंगाल जीत जाएंगे तो खा जाएंगे झारखंड, ऐसे चलता रहेगा, बोलते रहेंगे लोग, कुछ नहीं होने वाला है। जो हाँ जो गिराएंगे ना तो दोबारा नहीं देख पाएंगे विधानसभा का, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट सोच समझ के बोल रहा हूँ, जो इस तरह का खेल खेलेंगे वो विधानसभा का मुंह दोबारा नहीं देखेंगे, जनता नहीं आने देगी उसको, जनता पहचानती है सबको कौन क्या है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।